हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको पीवीसी पाइप्स पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बताएंगे, जिनका यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ और इरिगेशन में होता है। और इन पाइप्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आपको पीवीसी पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है तो एक बार ये वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें हमने बताया है कि कौन सी मशीन लगेगी, कितना रॉ मटेरियल और कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने लोग चाहिए होंगे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, और लास्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे फर्स्ट है हाई स्पीड मिक्सचर मशीन, रिजिड एक्सट्रूडर मशीन, ग्राइंडर, ग्रैनुलेट एक्सट्रूडर मशीन, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजन लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी चाहिए ही होगी अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ पीवीसी पाइप्स की ओपन करनी है। तो उसके बाद कौन से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे पीवीसी पाइप्स बनाने के लिए, पीवीसी रेजिन, कैल्शियम क्लोराइड, डीओपी, पी वैक्स, वन पैक स्टेबलाइजर, सीपीई, ऑप्टिकल ब्राइटनर। ये सारी रॉ मटेरियल्स है और वो पीवीसी पाइप बनाने के लिए चाहिए होगा। इन सबका मिक्सचर आपको करना होगा, वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आपको पीवीसी पाइप्स बनाने हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एरिया चाहिए होगा 1500 टू 1800 स्क्वायर फीट और इलेक्ट्रिसिटी आपको 40 टू 45 किलो वॉट की आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होगी। अब हम आपको प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले जितने भी मैंने आपको रॉ मटेरियल बताया उनका आपको मिक्सचर करना होगा, और अगर आपको वो रॉ मटेरियल में कोई कलर मिक्स करना हो, सपोज आपको कलर वाली पाइप्स चाहिए हो, तो आपको उसी टाइम उस रॉ मटेरियल में भी कलर भी मिक्स करना होगा। उसके बाद जब आप पूरा अच्छे से मिक्सचर कर लो, उसको पीवीसी ग्रैन्यूल मशीन में आपको डालना है। उस मशीन में आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका रॉ मटेरियल। उसके बाद आप उसको पीवीसी एक्सट्रूडर मशीन में जब आप डालोगे ना तो वो क्रिस्टल वहाँ पे टोटली मेल्ट हो जाएगा और लिक्विफाइड फॉर्म में वो आ जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको एक दूसरी मशीन में डाल के जब आप उधर डालोगे तो वहाँ से आपका पीवीसी पाइप रेडी हो जाएगा और वो बन के उसी के आगे एक पानी का भी होगा, मतलब जहाँ पे पूरा पानी एक पॉन्ड जैसा बना होगा वहाँ पे वो पाइप डायरेक्ट उसी के अंदर जाएगा और वहाँ पे थोड़ी देर रहेगा। और उसके बाद आप निकाल के उसको आप जिस साइज़ में आप चाहते हो, आप बड़ा चाहते हो तो बड़ा, छोटा चाहते हो तो छोटा, उस साइज़ में आप उसको कट कर सकते हो और आपके पीवीसी पाइप्स रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक और एक डायग्राम बताया हुआ है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को असेंबल करोगे, उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन एंड कंपाउंडिंग और उसमें डाई को मिक्स करोगे, उसके बाद एक्सट्रूजन आप वो सब करके जब वहाँ से निकालोगे उसको कूल करोगे, फिर उसको कट करोगे जिस साइज में आपको चाहिए और फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप क्वालिटी टेस्ट भी करोगे कि कौन सा कितने का है और उसके बाद आप उसको सेल्स के लिए निकाल दोगे। नेक्स्ट है कि कितने टाइप के लोग चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाओगे जब आप तो आपको किस टाइप के लोग चाहिए और कितने चाहिए। यहाँ पे आपको इंजीनियर चाहिए होगा, 2 से 3 इंजीनियर चाहिए होंगे, अकाउंटेंट चाहिए होगा पूरा संभालने के लिए 2, स्किल्ड लेबर आपको चाहिए होंगे 3 to 4 स्किल्ड लेबर और एक सुपरवाइजर आपको चाहिए होगा।
और पीपल विदाउट स्किल्स भी आपको, जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी आपको चाहिए। हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अनस्किल्ड लेबर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है जितनी स्किल्ड वैल्यू या स्किल्ड लेबर और अकाउंटेंट इंजीनियर उनकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। यहाँ पे आपको जब आप इतनी सारी मशीन इंस्टॉल करोगे उसमें आपको 20 to 25 lakhs की ज़रूरत होगी और आपका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो 10 to 20 lakhs का होगा। तो ओवरऑल आप 35 to 40 lakhs में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी कर सकते हो। और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, 10,000 पर डे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जब आप 1 घंटे में 50 kg का प्रोडक्शन होता है और ये मशीन 8 आवर्स तक चलेगी, 400 kg का प्रोडक्शन होगा और एक पाइप मतलब जो 1 kg जो होगा उसमें आप 70 to 75 rupees आपको कॉस्टिंग लगती है और 110 to 115 में सेल होता है वो। तो आप 10,000 पर डे कमा सकते हो, मंथली आप 3 lakh कमा सकते हो और ईयरली अगर आप देखो तो 36,50,000 आप कमा सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो और आप क्या कॉस्टिंग सेट करते हो, कितनी कॉस्टिंग आपकी लगती है और कितने सेल्स मतलब कितने प्राइस में आप बेचते हो, वो आपके ऊपर है। हमने आपको एक अप्रोक्सीमेट बता दिया है। तो ये था पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जो बहुत ही डिमांडेबल है और प्रॉफिट भी होगा। हमने हमारे चैनल में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज शेयर किए हैं और हम बहुत सारे न्यू ट्रेंड के साथ और भी बिजनेस आइडियाज लेके आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।